नमस्कार सभी को फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कविता फैशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरानी टी शर्ट से अपने हाथों की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा देने वाली हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पुरानी टी शर्ट से फेंकिएगा मत आप उसको। तो देखिए, मैंने इसके अंदर से चार पीसेज हैं वो कटिंग करके रखे हुए हैं इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से चार पीसेज हैं जो अपनी पुरानी टी शर्ट से वो निकाल लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। और फिर इसको देखिए, मैं चारों को एक तरफ रख देती हूँ इस तरह से। अब हम करना क्या है, इसको निशान देंगे फ्रेंड्स, जितना हमें इसकी लंबाई चाहिए है। ठीक है, ये देखिए चार पीसेज हैं मेरे। तो इसका मैं लंबाई एक बार साइज़ बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखी है, बाद में हम जितना हमें चाहिए है उतना कटिंग कर लेंगे। ये देखिए 6 इंच जो है मेरी चौड़ाई है इसकी। और मुझे लंबा कितना चाहिए फ्रेंड्स, ये देखिए 16 इंच लंबा चाहिए मुझे ये बाजू के हिसाब से। तो देखिए 16 इंच में छानूंगी, 1-2 इंच ऊपर से जो हमारा जो अंदर आ जाएगा सिलाई में, और 14 इंच रह जाएगा एक्स्ट्रा कपड़े के, हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे कितनी चाहिए इसकी चौड़ाई, मुझे इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच चाहिए है। इस तरह से बीच से हमें, ताकि अच्छी तरह से कटिंग हो, हमें बीच से हम लेंगे इसको, एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ वाला वो कटिंग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ इसी तरह करना है हमें। ये देखिए इस तरह से हम इसको कटिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। ऐसे कट करने के बाद में ये देखिए निशान कर देंगे हम, फिर इसको कट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर दिया है। ये देखिए, ये हमारे चारों पीसेस हैं जो वो एक बिल्कुल एक साथ कट के अलग हो चुके हैं। और इनको हम दो दो पीसेस को है जो अलग कर रख देते हैं एक बार। ये देखिए अलग रखने के बाद में फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, देखिए ये दो पीसेस इस तरफ हैं और दो पीसेस जो हैं वो इस तरफ हैं। एक पीस को उठाना है फ्रेंड्स इस तरह से हमें, डबल पीस को, और यहाँ पर एक साइड हमें इसको सिलाई देनी है। ठीक है, चलिए मशीन पर। ये देखिए हम इस तरह से इसको सिलाई देंगे। देखिए ये जो है मेरे सिलाई दे देनी है इसके ऊपर एक साइड से। तो इसी तरफ से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई दे देनी है फ्रेंड्स, दूसरे वाले जो हमारा पीसीस है उसके ऊपर सिलाई देनी है हमें फ्रेंड्स। ठीक है, पहले दोनों पीसीस पर हमें सिलाई दे देंगे एक तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इलास्टिक लिए हैं मैंने चार पीसेस। ठीक है, इनका साइज़ अपने जितनी अपने ये जो हैंडक्राफ्ट कटिंग किए हैं उसके हिसाब से 2 इंच कम होना चाहिए। और इस तरह से इसके ऊपर रख करके उल्टी तरफ, और इसको एक बार फोल्ड करके, और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसको सिलाई दे देना है। और इसको इलास्टिक को हम ऐसे खींचते हुए जितना हमारी जो टी शर्ट का कपड़ा है उसके बराबर करते हुए, और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। तो दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। जी देखिए, दोनों तरफ से हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक तरफ से पकड़ेंगे और सीधी तरफ अंदर की तरफ, और उल्टी तरफ वो बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पूरे पर इसको सिलाई दे देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस दोनों तरफ से देखिए इलास्टिक लग चुका है मेरे। ठीक है, अब हम इसको खोलेंगे एक बार इस तरह से खोल के, और सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा और ब्यूटीफुल हमारा हैंडक्राफ्ट है जो बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें हमारा दूसरा भी हैंडक्राफ्ट है वो तैयार कर लेना है, और हमें हाथों की सुरक्षा रखनी है बिल्कुल गर्मियों में। ठीक है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कैसी लगी है आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें उसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।